किसी को कह नहीं सकते, अपना सम्मान नहीं दे सकते, कोई हमको उस नजर से नहीं देखता है कि हम सेविका है, क्यों नहीं देखता है, किस चीज की सुरक्षा किया है, सिर्फ महिलाओं का शोषण हो रहा है। हमारी मांग को नहीं मानते हैं सरकार, जब हम लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं, हम लोग को आज भूख लगा है, हमारी बच्चे रो रहे हैं, रोड पे आ रहे हैं, हमारी बच्चों, हमको इतना क्षमता नहीं है कि अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाए। हम लोग को हक मिलना चाहिए और हम लोग हक लेके ही रहेंगे, ये बात वो समझ ले, आज दे कल दे, उनको तो देना ही पड़ेगा। यदि इस बार वो हम लोगों की मांग को पूरा नहीं करते हैं तो हम लोग उनसे नाराज होकर के, मजबूर होकर के उनको वोट नहीं करेंगे। स्मृति ईरानी को कुछ दिखा ही नहीं देता है, वो तो एक औरत होके, औरत के नाम पे कलंक है, पता नहीं वो है क्या चीज जो दिखता नहीं है, उसने क्या देखा है। मोदी सरकार, स्मृति ईरानी सब कुछ देख लेती है और फिर भी उनको दिखाई नहीं देता है। अब नहीं चलेगी तानाशाही इस सरकार की। मोदी जी से हमारी मांगे पूरी करो, वरना आपकी बार कुर्सी छोड़ो, बिल्कुल कुर्सी छुड़वा के रहेंगे। 5 किलो राशन से आप पूरा महीना खा लेंगे, 5 लोग हैं जिसमें से 3 को मिलता है, 2 बच्चा कहाँ जाएगा, पड़ोसी के घर में दियाएंगे कि मोदी सरकार के घर में दियाएंगे या स्मृति ईरानी के घर में दियाएंगे। मानदेय कौन बढ़ाता है, सरकार बढ़ाती है, लड़ेंगे हम किससे, सरकार से। नमस्कार, मैं हूं नूरजहां और इस वक्त मैं मौजूद हूं जंतर मंतर पे, और यहां पे आंगनवाड़ी से कई सारी महिलाएं आई हुई हैं, तो आज आइए उनसे बातचीत करते हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं, बताइए। मैं बिहार से सुपौल जिला से हूं, कुमारी संजू मेरा नाम है, और हम लोग आए हैं अपनी मांग को लेकर के सरकार के पास कि हमारी मांग को सरकार पूरा करे। अगर सरकार हमारी मांग पूरा करते हैं तो उसको हम मान सम्मान फूल माला से अर्पित करेंगे, उसे ताली से स्वागत करेंगे, और हमारी मांग को नहीं मानते हैं सरकार। जब हम लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं, हम लोग को आज भूख लगा है, हमारी बच्चे रो रहे हैं, रोड पे आ रहे हैं, हमारी बच्चों, हमको इतना क्षमता नहीं है कि अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं। तो आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांग है कि हम लोग को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए, अगर सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं मिलता है तो कम से कम 25,000 रुपया मान दे सेविकाओं को, और सहायिकाओं को 12,500 रुपये मान दे, यही हमारी मांग है। और अब क्या चाह रही हैं सरकार से? सरकार से हम चाह रहे हैं कि हम लोगों को राज्यकर्मी बनाया जाए निश्चित रूप से, जब तक वो नहीं बनाते हैं तब तक सेविकाओं को 25,000 और सहायिका को 12,500 मान दे दे, जो कि हम लोगों का वाजिब बनता है। सुप्रीम कोर्ट जो निर्देश दिए हैं वो अनुसार से हम लोग को हक मिलना चाहिए और हम लोग हक लेके ही रहेंगे, ये बात वो समझ ले, आज दे कल दे, उनको तो देना ही पड़ेगा। यदि इस बार वो हम लोगों की मांग को पूरा नहीं करते हैं तो हम लोग उनसे नाराज होकर के, मजबूर होकर के उनको वोट नहीं करेंगे। हमारी तो अभी आपकी तनख्वाह कितनी है? क्या अभी तनख्वाह हम लोगों की 5,950 रुपया मात्र, इससे आज के युग में क्या होता है। दर्जा दे, टीचर का दर्जा दे, हर एक चीज देता है टीचर का, तो भी वेतन तो चाहिए, टीचर से ज्यादा भी करते हैं, हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे सोचिए, बच्चे ऐसी चीज होती है, बड़े बच्चों को तो आप पढ़ा लीजिएगा, मगर बच्चे होते हैं लकीर के फकीर, उनको जो ही सिखाइएगा वही सीखेगा। हम तैयार करके, आंगनवाड़ी वाली तैयार करके भेजते हैं स्कूल में, तब वो टीचर उनको आगे बढ़ाता है। हम टीचर का काम करते हैं, हमसे BLO का काम करवाया जाता है, फिर भी दर्जा कोई मान सम्मान नहीं। हम लोगों से टीकाकरण करवाया जाता है, हम लोगों से जनगणना करवाया जाता है, टीचर के साथ टीचर को पैसा मिलता है, हम लोग को पैसा नहीं मिलता है। हम लोगों से सिर्फ 5,950 रुपये में 24 घंटे का काम करवाया जाता है। स्मृति ईरानी कह रही कि 1 घंटा काम करती है। स्मृति ईरानी को कुछ दिखा ही नहीं देता है, वो तो एक औरत होके, औरत के नाम पे कलंक है, पता नहीं वो है क्या चीज जो दिखता नहीं है, उसने क्या देखा है। सेविका को बहाली कर दिया है, सेविका को मोदी सरकार, स्मृति ईरानी सब कुछ देख लेती है और फिर भी उनको दिखाई नहीं देता है कि 5,950 रुपये में, आप बताइए, एक मजदूर की मजदूरी नहीं है। हमको किसी को कहते शर्म आता है कि हम सेविका होके, हम ग्रेजुएशन होके सेविका की नौकरी लिए, क्यों लिए हैं, इसलिए लिए हैं चाहे कुछ भी आ जाए, कम काम कर रहे हैं, मगर हम किसी को कह नहीं सकते, अपना सम्मान नहीं दे सकते, कोई हमको उस नज़र से नहीं देखता है कि हम सेविका है, क्यों नहीं देखता है। 5,950 रुपये कोई तनख्वाह नहीं, हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं। उस नौकरी पे बच्चा भी काम करता है, बेटा आदमी भी काम करता है, खुद सेविका भी करती है। आधी रात को अगर हमको ऑर्डर मिल जाए कि हमको पूरे वार्ड का रिपोर्ट चाहिए, तो हम आधी रात को उठ के रिपोर्ट देते हैं 5,950 रुपये में। अब नहीं चलेगी तानाशाही इस सरकार की। महिलाओं को तो आरक्षण दिया है ना मोदी सरकार ने, किस चीज़ का आरक्षण दिया है, यही 5,950 रुपये की आरक्षण दिया है।
5,000 में तो है ना रुपए की, इससे महिलाओं की सुरक्षा पे इतना ध्यान दे रहे हैं, किस चीज की सुरक्षा क्या है? सिर्फ महिलाओं का शोषण हो रहा है, सुरक्षा है आपको दिखता है? महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा दिखता है, महिलाओं का शोषण किया जाता है खाली, और कुछ नहीं होता है। राशन दिया जा रहा है महिलाओं को, 5 किलो राशन से आप पूरा महीना खा लेंगे, आप खा लेंगे पूरा महीना। आपके घर में 5 लोग है जिसमें से 3 को मिलता है, 2 बच्चा कहाँ जाएगा? पड़ोसी के घर में दिएंगे कि मोदी सरकार के घर में दिएंगे या स्मृति ईरानी के घर में दिएंगे? किसी के घर में देके आएंगे कि अपने ही घर में रखेंगे? 5,000 रुपए से हम घर पर चलाएंगे अपना? हमसे काम उतना ही ले जितना से हम लोग को नियुक्त किया गया है। हम लोग को अगर मोदी सरकार, हम लोग का जो कोर्ट से आया है ऑर्डर, उस पर अगर नहीं किया गया है कार्रवाई कुछ भी, मानदेय कौन बढ़ाता है? सरकार बढ़ाती है। लड़ेंगे हम किससे? सरकार से। वेतन मान उसी तरह से मोदी सरकार ने महंगाई भी तो कम करी है, टमाटर के दाम देखिए कितने कम हो गए हैं। हाँ ये तो बात सही कहा, मोदी का काम तो बहुत है। नहीं है जो टमाटर खाएंगे, पैसा है सरकार दे रही है, सिलेंडर के दाम कम करे। अरे करने दीजिए ना, साथ में मास्टर को बहाली किया है, साथ है सेविका को बहाली किया, एक ही साथ तो उसका 40,000, उसका 40,000 और एक सेविका जो है 2004 से एक मास्टर को बहाली किया है पंचायत टीचर को, तो उसका 40,000 और एक सेविका को बहाल किया है तो उसका 6,000-5,000। हमारी इतनी ही मांग है मोदी जी से, हमारी मांगे पूरी करो वरना आपकी बार कुर्सी छोड़ो। अच्छा कुर्सी छोड़ने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल कुर्सी छुड़वा के रहेंगे, हमारी मांगे नहीं होगी पूरी तो आपकी बार उसको कुर्सी से उतार फेंकेंगे। मोदी सरकार तो कह रही है 2024 में वही आएंगे। 2024 भी आने दीजिए, वो भी उसको दिखा दिया जाएगा, वो भी उसको दिखा दिया जाएगा कि एक सेविका क्या कहती है। भाइयों जो पढ़ाते हैं उन लोग 60,000 वेतन उठाते हैं, हम लोग 5,950 रुपया उठाते हैं, शर्म लगते हैं एक कुर्सी पर बैठ करके। हर एक चीज उन लोग से ज्यादा भी हम लोग काम करते हैं, नेटा पोटा बच्चा को सब लेट पेट जितना ही गंदगी सब साफ सफाई करके बच्चा को खान पान करके ही बच्चा को खोपड़ी खा जाते हैं, अपना कुपोषित हो जाते हैं बच्चा को सिखाने में। मोदी सरकार तो विकास कर रही है ना, कौन जी कोनो चीज के लिए ना हम लोग को लिए सोच रहे हैं, मगर सेविका का शोषण हो रहा है, कहीं पे भी विकास हो रहा है बट सेविका का शोषण हो रहा है, विकास कर रहा है सब जगह, सबका विकास हो रहा है। मोदी चाचा को यही कहते हैं पहुंचा दीजिए कि हम लोग को मान सम्मान रखने दीजिए जी, हर चीज का मान सम्मान जैसे भी मोदी सरकार समझेगा, मोदी चाचा समझेगा वैसे बेटी का सम्मान हम लोग को हक दीजिए, हक ले हम लोग एकदम आतुर है, हक दीजिए हक दीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ आंगनवाड़ी से कई महिलाएं आई हैं जो अपने वेतन बढ़ाने की मांग कर रही हैं, वरना वो कह रही हैं कि 2024 में मोदी सरकार को हटा दिया जाएगा। तो आई की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, कैमरामैन आशीष के साथ मैं नूरजहां।